एग्जाम्पल नंबर 26 में तुम लोगों को अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है ना, बोल दिया करो कि ये स्टेप कहाँ से आया या ये कैसा कैसा लिखा हुआ है, तो मैं बता दूंगा। नहीं तो तुम लोग पता लगे जैसा यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है वैसे का वैसा उतार दो, तो वो भी गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए पूछ लिया करो कहीं पे अगर कंफ्यूजन है तो। माइनस वन से वन में हमें इंटीग्रेट करना है 5x4 अंडर द रूट x5 + 1। इस क्वेश्चन को तुम लोग इस लिमिट को मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन को देखो कि क्या इसको टी मानने से ये जा सकता है क्या। तो लिमिट को तो बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले हम लोग 5x5 + 1 अगर इसको टी माने तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तुम लोग नहीं, दो मिनट रुको, तुम इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x5 + 1 इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जिसको हम लोग टी मानते हैं उसका क्या करना होता है, इंटीग्रेशन में क्या करना होता है। इसको हमने टी माना है, इस वाले पूरी वैल्यू को, तो इसको टी माना है, तो जिसको टी मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करके इस डीएक्स की जगह पे रखना होता है। तो बताओ इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, एक्स की घात 4 होगा, बाकी ये 5 कहाँ जाएगा, आगे आएगा। मतलब तुम दो लोग को तो अभी डिफरेंशिएशन ही नहीं पता ना, हम लोगों को डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा एक्स की घात 5 + 1 का, और यहाँ पे हमको डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा टी का, ठीक। डी अपॉन डी एक्स करेंगे हम लोग एक्स की घात 5 का, और डी अपॉन डी एक्स करेंगे हम लोग 1 का, और बराबर हो जाएगा ये डी टी अपॉन डी एक्स के। इसका होता है 5 आगे आता है, और जो भी पावर में है उसमें से 1 कम होता है, और इसका क्या होगा 0। ये बराबर आ जाएगा dt अपॉन dx के। यहां से dt का मान निकालेंगे, ये तो 0 हो गया, तो dx का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5x4 उसमें dx का गुणा हो जाएगा, बराबर आ जाएगा किसके, dt के। मतलब कि क्वेश्चन में अब हमने क्या कर लिया कि अब हमें इंटीग्रेट जो वैल्यू करना है वो सिर्फ और सिर्फ -1 से 1। चाहो तो अभी फिलहाल जिसको t माना है t के सापेक्ष लिमिट चेंज कर सकते हो, या एक काम करो कि लिमिट को लेके ही मत चलो, जो भी लास्ट में आंसर आएगा उसमें टी का वैल्यू रख देना और फिर लिमिट को वापस से लगा देना। तो देखो जहां पे भी 5x4 और dx मिलेगा उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं dt को, तो ये 5x4 और dx इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं dt, और इस वैल्यू को हमने t माना है तो ये आ गया रूट के अंदर t, और इसकी जगह पे और इसकी जगह पे हम लोग लिख रहे हैं dt, ठीक। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, t की घात कितना है ये टोटल, t की घात 1/2। इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर में एक जुड़ जाएगा, और उसके अलावा अपॉन में भी वही पावर में एक जोड़ के लिखेंगे, तो t की पावर 1/2 रहेगा, उसमें प्लस 1 करेंगे, और ये जो पावर है उसी को नीचे लिख के उसमें प्लस 1 करेंगे, और प्लस में यहाँ पे लिख देंगे c, ठीक। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, t की पावर 3/2, और 3/2 भी नीचे भी आएगा तो वो पलट के ऊपर आएगा 2/3, और t की पावर ये रहेगा 3/2। और अब हम लोग t का वैल्यू रख देंगे, और उसके साथ साथ जो भी उसमें इंटीग्रेशन का लिमिट है वो भी उसको दे देंगे, और देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। यहां तक इंटीग्रेट हो गया है, और ये इंटीग्रेट किस वैल्यू का हुआ है, इस वैल्यू का इंटीग्रेट हुआ है ये पूरा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब तुम लोग स्टार्ट कहां से करोगे, यहां से, ये वैल्यू को ही हमने इंटीग्रेट किया है पूरा, और इंटीग्रेट करके हम लोग ये लेकर आए हैं, कितना लेकर आए हैं 2/3, और ब्रैकेट के अंदर टी की जगह पे टी का वैल्यू 5x की पावर 5 + 1, और इस पूरे की पावर कितना 3/2, और लिमिट आ जाएगी इसकी कितनी, -1 से। हम लोगों ने इसी को लेके चले थे और इसको सॉल्व करके पूरा इंटीग्रेट करके हम लोगों ने ये लेकर आए थे, इंटीग्रेट हो ही गया था हमारा कंप्लीट, हम लोगों को सिर्फ यहाँ क्या रखना बाकी रह गया था, लिमिट रखना, तो वो हमने लिमिट को उसको दे दिया। अब तुम लोग ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे लिमिट -1 से 1 था ना,
यहाँ एक्स की घात 5 + 1 को हमने टी माना है, तो आप पहले लोअर लिमिट या अपर लिमिट जो भी लिखना है, पहले अपर लिमिट लिखो, तो 1 और 1 2, तो जब एक्स बराबर 1 तो टी बराबर भी कितना 2, और जब एक्स बराबर -1 टी बराबर कितना 0, क्योंकि यहां से -1 निकलेगा, -1 + 1 0, तो आप 0 से 2 इसको भी लिमिट देके सॉल्व कर सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक, और ऐसे करके करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों से ही हम लोग आंसर निकाल के रख देंगे। 2 यहाँ पे आएगा और 2 की घात हमारे पास आएगा 3/2, और 0 रखने पे तो 0 हो गया, 2 की घात 3/2, और ये 2 की घात टोटल 1 है, जोड़ोगे तो 2 एकम 2 5/2, तुम्हारे पास आंसर 2 की घात 5/2/3 कुछ इस टाइप का आंसर रहेगा, ठीक। अब यहां से देख लेते हैं आ रहा है या नहीं, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो 2/3, और उसके साथ यहाँ पे ये वाला 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 की पावर कितना 3/2, देन माइनस का मार्क लगता है लोअर लिमिट लिखने से पहले, -1 की घात 5 ये पूरा 0, तो ओवरऑल 0, 2 की घात 3/2 और 2 की घात 1 दोनों जुड़ के 2 की घात कितनी 5/2, और बटे में कितना देखो इसका मतलब ये भी होता है 5/2 का मतलब कितना 2.5, इसका मतलब 2 की घात 2 तो पूरी पूरी है, 1 आधी है, 2 की घात 2 पूरी पूरी है, इसका मतलब 4 √2/3, ये भी आंसर कर सकते हो, बाकी सी लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद टेन इनवर्स वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर कितना 27, एग्जाम्पल नंबर 27 इंट्रीगेट करना है हम लोगों को टेन इनवर्स को, और लिमिट क्या है 0 से 1, और टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² का dx करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसको इंट्रीगेट करेंगे, हम लोग इंट्रीगेट करेंगे नहीं, टेन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, है ना, इसको टी मानने से इसका जब डी अपॉन डी एक्स करेंगे टेन इनवर्स एक्स का, जो कि बराबर आएगा डी टी अपॉन डी एक्स के, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 + x² इस डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे, बराबर आ जाएगा डी टी। तो हम लोग इंट्रीगेट करेंगे फिलहाल, ये डी एक्स और 1 + x² जहां भी होगा उसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dt, और इसको हमने मान लिया है, ठीक है। अब हम लोग इंट्रीगेट कर देंगे तो ये हमको आंसर करेगा t² / 2 + c, लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, और टी स्क्वायर का वैल्यू रख दो। तो हम लोगों ने इंट्रीगेट जब स्टार्ट किया था तो वो इंट्रीगेशन स्टार्ट किया था टेन इनवर्स एक्स का 1 + x² का डी एक्स करना स्टार्ट किया था 0 से 1 में, जिसका हमारा आंसर आया है t² / 2 का मतलब टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट आ जाएगी कितनी 0 से 1 + c। आप लोग यहाँ पे भी लिमिट रख सकते थे इसी जगह पे, बस शर्त क्या होती कि जब ये 0 होता तो tan इनवर्स भी 0 होता, क्योंकि tan 0 पे ही 0 होता है, और tan 1 कहाँ पे होता है तो वो π/4 पे होता है, 45 पे, तो उस जगह पे तुम्हें यहाँ पे π/4 रख के सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो लिमिट उसके सापेक्ष पे चेंज करते, अभी फिलहाल हमने x में ही लेकर आ गए तो x में ही रख देंगे। अब लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे 1 कहाँ पे होता है, ये 45 पे, π/4 पे, तो यहाँ पे जैसे ही 1 रखेंगे, 1 के लिए पूरा ही करके दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, टेन इनवर्स के साथ में यहाँ पे 1 रखेंगे, और इस 1 को लिखना पड़ेगा tan π/4 ना, और बटे में कितना है इसके 2 है, और इस tan इनवर्स का क्या है होल स्क्वायर है, ये रख दिया अपर लिमिट, देन लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो tan इनवर्स के साथ में क्या आएगा यहाँ पे 0, और उसका होल स्क्वायर, और बटे में कितना 2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स के साथ में यहाँ लिखना पड़ेगा tan π/4, क्योंकि 1 वहीं पे होता है, और उसका भी क्या
होल स्क्वायर और बटे में कितना, बाकी का ये पूरा पार्ट जीरो। टेन पाई बाई फोर, ये टेन से टेन कैंसिल, पाई बाई फोर का हो जाएगा पाई बाई एट, पाई बाई फोर का पहले होगा पाई स्क्वायर अपॉन 16, वो 16 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 32, पाई स्क्वायर अपॉन 32 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक, पाई स्क्वायर अपॉन 30।